नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी यूपी के बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी की विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट की इंचार्ज मौसमी मदेशिया की कोर्ट में पेशी हुई। इसमें मुख्तार अंसारी बांदा जेल से हाजिर हुए और सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए। मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई है। मुख्तार अंसारी ने कहा, मुझे सूचना मिली है कि किसी को मेरी हत्या करने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो मेरी हत्या कर देगा उसके घर 5 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। इसके अलावा उसके सारे मुकदमे भी खत्म कर दिए जाएंगे और कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के संबंध में मुख्तार के वकील रणधीर सिंह सुमन ने जानकारी दी। रणधीर सिंह सुमन के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने सुनवाई के दौरान जज के सामने आरोप लगाया कि इन दिनों बांदा जेल में पुलिस प्रशासन के अलग अधिकारी और कुछ संदिग्ध लोग जेल बुक कर एंट्री किए बिना ही अंदर आ जाते हैं, और इतना ही नहीं, ये लोग आते हैं तो जेल के सीसीटीवी का मुंह भी घुमा दिया जाता है। मुख्तार अंसारी का आरोप है कि यूपी की जेलों में लगातार हत्याएं हो रही हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट के नाम पर भी लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे में उसे डर है कि उसकी भी जेल में हत्या की जा सकती है। मुख्तार ने जज से मांग करते हुए कहा कि गेट बुक और सीसीटीवी फुटेज की जाँच कराई जाए और सारा सच सामने आ जाएगा। तो बता दें, मुख्तार अंसारी पिछले काफी लंबे समय से जेल में बंद हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आज मौसमी मलेशिया के वहां पेशी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्तार अंसारी ने सीधे कहा कि पुलिस के अधिकारी व संदिग्ध व्यक्ति जो है बगैर गेट बुक में एंट्री करते हुए आते हैं और सीसी फुटेज कैमरों के वो मुख मोड़ दिए जाते हैं जब ये लोग आते हैं। उन्होंने कहा, हमको सूचना मिली है कि 5 करोड़ रुपए की सुपारी मेरी हत्या के लिए दी जा चुकी है, जिसमें अधिकारियों का ने कहा है कि जो आदमी इनकी हत्या करेगा उसके घर 5 करोड़ रुपए भेज दिए जाएंगे और उसके सारे मुकदमे समाप्त कर दिए जाएंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बाराबंकी से हमारे संवाददाता रविंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रविंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी पारुल, बिल्कुल आवाज सही से पहुंच रही है। जी रविंद्र, जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि जेल में जिस तरह से गेट बुक पर कोई भी एंट्री नहीं कराई जा रही, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है वो नहीं दिखाई जाती और जब भी कोई जेल के अंदर आता है तो सीसीटीवी कैमरे का मुंह जो है वो घुमा दिया जाता है, तो क्या जेल में भी मुख्तार अंसारी को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बता दूं पारुल, जो है कल बाराबंकी में वर्चुअल पेशी के दौरान यहां पर मुख्तार पेश हुआ और उस जो है वर्चुअल पेशी में मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्तार अंसारी ने ये कहा है कि यहां पर बिना एंट्री किए कुछ संदिग्ध लोग जेल के अंदर आ जाते हैं और उनको जब वो आते हैं तो सीसीटीवी का रुख मोड़ दिया जाता है, कैमरे का रुख मोड़ दिया जाता है, ऐसे में हमारी जान का खतरा है। और 5 करोड़ सुपारी की भी बात यहाँ वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने कही है कि हमारी हत्या के लिए यहाँ 5 करोड़ की सुपारी दी गई है और ये भी दिया गया है कि जो भी अंदर कैदी है वो हत्या करेगा तो उसके जितने केस है वो समाप्त कर दिए जाएंगे, वो खत्म कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बांदा जेल प्रशासन पर मुख्तार अंसारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इस दौरान कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो मुख्तार अंसारी के वकील है उनसे न्यूज इंडिया की टीम ने बात की तो उन्होंने पूरी बात न्यूज इंडिया को बताई है। जी पारुल जी, रविंद्र, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्या प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर कुछ कहना है? क्या प्रशासन से आपकी बात हुई? क्या किसी अधिकारी का अब तक कोई बयान सामने आया है? देखिए पारुल, बता दूं ये पूरा मामला बांदा जनपद से आया है, बांदा जेल से सामने आया है। वर्चुअल पेशी बाराबंकी में हुई थी, बाराबंकी में वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। जब ये बात सामने आई, जब ये खबरें सामने आई, उसके बाद जरूर जेल प्रशासन में हड़कंप थोड़ा मचा हुआ है। इस बात को लेकर, ये गंभीर आरोप को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आखिर ये सही बात है कि ऐसे ही जान का खतरा बताया है यहाँ पर मुख्तार अंसारी ने? तो इन सारी विषयों की यहाँ पर प्रशासन जांच कर रहा है और
जांच के दौरान जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा जेल प्रशासन कर रहा है, संदिग्ध लोग घुसते हैं, एंट्री नहीं होती है, सीसीटीवी का रुख मोड़ दिया जाता है, तो जी, रविंद्र बिल्कुल जिस तरह से ये वाला मामला सामने आया है, रविंद्र जिस तरह से मामला सामने आया है, इसी में कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की तरफ से ये भी कहा गया है कि मुझे अपनी जान का खतरा है, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि गाड़ियां पलट कर जो है किसी का भी एक्सीडेंट करा दिया जाता है। यानी कि विकास दुबे पर साफ तौर से उनका ये कुछ कहना था कि विकास दुबे के साथ जो कुछ हुआ वो फिर से उनके साथ न दोहराया जाए या फिर जेल में ही उनकी हत्या न कर दी जाए, इसलिए ये सब बातें उन्होंने कही है। देखिए बता दूं, जो है योगी सरकार लगातार मुख्तार अंसारी पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्रभावी कार्रवाई से इनके गुर्गों पर बाराबंकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर कई गुर्गों को यहाँ पर बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे कई सारे सच उगलाए हैं और इन पर लगातार सरकार शिकंजा कसती जा रही है, प्रशासन शिकंजा कसता जा रहा है। तो इन सब शिकंजे कसते के दौरान इनको कहीं ना कहीं डर है, इनके जो केस है वो खुलते जा रहे हैं, जो इनके गुर्गे थे वो पकड़े जा रहे हैं और सारे मामले का खुलासा होता जा रहा है। ये एम्बुलेंस भी यहाँ बाराबंकी में पकड़ के आई थी, उसके बाद इस एम्बुलेंस को जो फर्जी लोग रजिस्ट्रेशन करवाने में थे, जो रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जो यूज कर रहे थे, जो ड्राइवर था, जो उनका साथ में चलता था, ये सभी जो गुर्गे थे इनके, उन पर बाराबंकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार भी इन पर लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी डरा हुआ है, हो सकता है इस डर की वजह से उसने ये बयान दिया है ताकि हमारी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं झूठे भी आरोप साबित हो सकते हैं, क्योंकि जेल प्रशासन है, ऐसी कभी भी कोशिश नहीं की जाएगी जेल प्रशासन के द्वारा कि कोई संदिग्ध अंदर जाए, भाई इसकी हत्या हो सकती है, इसके सिवा और भी लोग जो है बांदा जेल में है, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी, तो अधिकारियों पर ही दिक्कत आएगी। रविंद्र, लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी की तरफ से आरोप तो लगा दिए गए हैं, लेकिन क्या कोर्ट इन सब आरोपों पर संज्ञान लेगा, क्या प्रशासन इन सब आरोपों पर विचार करेगा या कुछ सुनवाई करेगा? जी बिल्कुल बता दूं, यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी के वकील हैं उनसे न्यूज इंडिया की टीम ने बात की, तो इस जो बात के दौरान न्यूज इंडिया को उसके वकील ने बताया है कि कोर्ट में जो इनकी पेशी हुई है, जो गंभीर आरोप है, वो माननीय न्यायालय जो न्यायाधीश है उनको बता दिए गए हैं, अगली सुनवाई के दौरान ही बात साफ हो जाएगी क्या कार्रवाई हुई है। जी परुल जी, चलिए रविंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार पिछले काफी समय से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है और ऐसे में लगातार यूपी प्रशासन, यूपी सरकार उनके गुर्गों पर कार्रवाई कर रहा है, और ऐसे में अब जब सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की तरफ से इसी तरह के आरोपों को लगाया गया है जेल प्रशासन पर, तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि क्या मुख्तार अंसारी को जेल में भी किसी बात का डर है, क्या उसको प्रशासन की तरफ से सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये तमाम सवाल है जो मुख्तार अंसारी के आरोपों के बाद से खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें गाजियाबाद के पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात अमित पाठक को यहां से हटाकर पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संबंध पर कर दिया है और उनके स्थान पर मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इसी पद पर गाजियाबाद में भेज दिया गया है। इसी प्रकार से एटीएस में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात बबलू कुमार को मुरादाबाद का नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बना दिया गया है और बताया जा रहा है कि बसवा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की तरफ से भी सोमवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने की घटना की वजह से अमित पाठक पर यह गाजगिरी है। दरअसल पीड़िता ने वाराणसी में एसएसपी रहते हुए अमित पाठक पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने का प्रयास किया था। तो बता दें लगातार यूपी सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और 3 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है और ऐसे में साथ ही बता दें कि गाजियाबाद के भी उप निरीक्षक का तबादला किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि उन्हें यहां से हटाकर अमित पाठक को यहां से हटाकर पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और उनके स्थान पर मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इसी पद पर गाजियाबाद भेज दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से बता दें एटीएस में भी पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात बबलू कुमार को भी मुरादाबाद का नया वरिष्ठ अधीक्षक बनाया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की तरफ से सोमवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने की घटना की वजह से अमित पाठक पर गाज गिरी है और ऐसे में पीड़िता ने वाराणसी में एसएसपी रहते हुए अमित पाठक पर सुनवाई न करने का आरोप भी लगाया था और जिस वजह से
ये कहा जा रहा है कि ये गाज उन पर इसीलिए गिरी है और इसीलिए उनका तबादला कर दिया गया है। तो ऐसे बता दें, 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और साथ ही पीड़िता की तरफ से आरोप लगाया गया था और सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आत्मदाह करने की कोशिश की गई थी। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित पाठक पर इसीलिए गाज गिरी है क्योंकि पीड़िता ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 3 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है, क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, गाजियाबाद के नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार और पूर्व जनरल सेक्रेटरी ऑफिसर वीरेंद्र पाल और पूर्व स्टोर इंचार्ज मोहन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है और ये कार्रवाई की गई है मेरठ में। ये तीनों अधिकारी गाजियाबाद नगर निगम में तैनात थे। सीसीटीवी, बायोमेट्रिक मशीन और आई कार्ड की आपूर्ति करने वाली फर्म संचालक से भुगतान की एवज में पैसा मांगा गया था जी। ये पैसा यूं कह सकते हैं कि उस एवज में मांगा गया था कि आपको सही से यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि पूरा बड़ा आपको ऑर्डर मिलेगा। इस एवज में पैसा मांगा गया था और ये पुष्टि कर ली गई है अब कि पैसा मांगा गया था। तो इन तीनों अधिकारियों पर गाज गिरी है। मेरठ में इनपे विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कराया है और अब इनपे खास तौर से जांच बैठ गई है, कार्रवाई की जाएगी, जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जिला गाजियाबाद में उच्च अधिकारी, क्योंकि ये बड़े अधिकारी थे नगर निगम के, इन पर कार्रवाई हुई है, तो जाहिर तौर पर जो अन्य अधिकारी हैं जो कि अनियमितता बरतते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी लाजमी है। वो भी इससे सबक लें क्योंकि लोगों को न्याय नहीं मिलता, नगर निगम ठीक से काम नहीं कर पाता, इस वजह से ही अनियमितताओं का दौर जिला गाजियाबाद में लगातार जारी है। जी फारूक जी, जितेंद्र, एक अमित पाठक का नाम सामने आ रहा है कि एक पीड़िता ने उन पर आरोप लगाया है कार्रवाई ना करने की वजह से और इसीलिए उन पर ये गाज गिरी है कि उनका तबादला कर दिया गया है। देखिए, अधिकारियों की अगर बात की जाए तो अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है अधिकारिक तौर पर। हालांकि जिस तरीके की बात आ रही है सामने, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी बात है क्योंकि ये एक बड़े उच्च अधिकारी, और जाहिर तौर पर जब तक कि कोई आधिकारिक तौर पर कोई इस बारे में नहीं पुष्टि करता है तब तक कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि सुखबुगात यही है कि उनका तबादला तो कर दिया गया है, जो कि मुरादाबाद से अब अधिकारी आए हैं, उनका नाम है पवन कुमार, जो कि गाजियाबाद की अब कमान संभालेंगे। जी जी जितेंद्र, जिस तरह से ये 3 आईपीएस अफसरों का तबादला अब किया गया है, बीते कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो तब भी 13 अफसरों का तबादला किया गया था, यानी कि अब योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है क्योंकि आने वाले समय में कुछ ही वक्त बचा है जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए क्या ये इतना फेरबदल किया जा रहा है? बिल्कुल पारुल, कहा जा सकता है क्योंकि अभी चुनावी दौर की शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी चुनावी दौर की जैसे ही शुरुआत होगी तो जाहिर तौर पर जो बड़े नेता हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन उससे गाजियाबाद के जो उच्च अधिकारी हैं उनका स्थानांतरण बेहद जरूरी है क्योंकि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं होना चाहिए जो कि अनियमितता बरतता हो। अब ऐसे में योगी सरकार पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और सुनने में यह भी आ रहा है कि गाजियाबाद के कुछ और अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। जी पारुल जी, चलिए जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 आईपीएस अफसरों का यूपी में तबादला कर दिया गया है और लगातार योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीते दिनों भी कुछ दिन पहले कई अफसरों का तबादला किया गया था और एक बार फिर से 3 अफसरों का तबादला कर दिया गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की तरफ से ही सोमवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने की घटना की वजह से अमित पाठक पर यह गाज गिरी है और इसीलिए पीड़िता ने वाराणसी में एसएसपी रहते हुए अमित पाठक पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से ये उन पर गाज गिरी है और 3 अफसरों का तबादला यूपी में कर दिया गया है।
बाराबंकी पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर से दाग लगा है। एक दरोगा पर लॉकअप में बंद करके फरियादी महिला की पिटाई का आरोप लगा है। बाराबंकी जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र की एक महिला से कुछ दबंगों ने अभद्रता की और महिला के विरोध करने पर दबंगों ने उसके साथ गाली गलौज भी की। महिला ने इस अभद्रता की शिकायत दरोगा से की तो वहीं दरोगा ने कार्रवाई के लिए महिला को थाने पर बुलाया और महिला जब थाने पहुंची तो बात ही बात में दरोगा आग बबूला हो गया। नाराज दरोगा ने महिला से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और महिला को लॉकअप में बंद कर बेरहमी से पीटा। वहीं अब पीड़ित महिला इसकी हकीकत बयां कर रही क्या और कार्रवाई की मांग कर रही है। लेकिन बाराबंकी का ये पूरा मामला है जहां पर शिकायत करने पहुंची थाने महिला को दरोगा ने पीटा और उससे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अगर हमको गाली बकारी ने बहुत दिया है, वो गाली बका है जो हम थाने पर सूचना लेके गए सर, तो हमारा एप्लीकेशन ले लिया है, हमारे ना रिकॉर्डिंग सुने न कुछ। दूसरे दिन सर हमको बुलवाएं कि आ जाइए थाने। किसने बुलाया सर? हमको परविंदर ने बुलाया। परविंदर कौन है? परविंदर दरोगा। अच्छा, तो हमको बुलाया था कि आ जाइए, आपको फैसला हो जाए, सुलह समझो। तो जो मैंने सर वहाँ गई थी तो हमको गाली गुप्ताली सर बरतने लगे, जो हमको कहें रुकिए भर रुकें, तो कहें अगर 20,000 रुपये सर नहीं दोगे तो तुम्हारी पिटाई छटाई कर दूंगी। बहुत मतलब किसी की समझती थी नहीं हो। किसने कहा 20,000 रुपये दो? परविंदर ने कहा? परविंदर साहब हम तो 20,000 रुपया मांगी नहीं और रोके रहे हैं, जो हमको मारी ने मरवाए थे, तो उसके बाद में हमको काम उनको चालान करा। जानकारी के साथ बाराबंकी से हमारे संवाददाता रविंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बाराबंकी का ये पूरा मामला है जहां पर जब महिला दरोगा से शिकायत करते गई तो उल्टा दरोगा ने महिला से ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसकी लॉकअप में बंद कर पिटाई कर दी। किस तरह का यूपी पुलिस का चेहरा है? जी पारुल, बता दूं ये पूरा मामला लोनी कटरा थाना क्षेत्र का है जहां पर एक महिला अपनी जो है शिकायत करने गई थी, उसको एक व्यक्ति ने जो है उसको गाली दी थी, अभद्रता थी उसके साथ, उसकी शिकायत वो करने थाने पहुंची थी। उस दौरान वहां पर मौजूद एक दरोगा जो है उससे बात करने लगा, महिला से बात करने लगा, बातों बातों में ही वो दरोगा आग बबूला हो गया और महिला को लॉकअप में बंद करवाकर उसकी पिटाई की है, ऐसा इस महिला का आरोप है। फिलहाल इस पूरे मामले में जब बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची, जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने उच्च अधिकारियों से इस बाबत जानकारी बताया है कि इस पूरे जी पीट महिला के साथ की है। अक्सर देखा जाता है कि यूपी पुलिस का ऐसा ही चेहरा सामने आता है, लेकिन इस तरह से अगर जब लोगों के साथ पुलिस इस तरह का बर्ताव करेगी तो लोग फिर कहां जाएंगे, शिकायत किससे करेंगे? क्योंकि देखिए, पुलिस का काम जनता की बात सुनना, जनता की बातों का समाधान करता है, लेकिन जब पुलिस इस तरह की हरकत करेगी तो फिर फरियादी या फिर जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो कहां जाएंगे? बिल्कुल पारुल, जो है यहाँ पर एक गंभीर आरोप लगे हैं, एक पीड़ित महिला है जो थाने जाती है उसकी ही पिटाई कर दी जाती है, तो जरूर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है इनकी जो जितने निरंकुश हैं, जिस तरीके से ड्यूटी करते हैं, इस पर जरूर सवाल खड़ा हो रहा है। इस महिला ने जो है अपनी शिकायत करने थाने पहुंची थी। एक तो इसके साथ पहले ही दबंगों ने अभद्रता की, मार पिटाई की, उसकी शिकायत करने जब न्याय के लिए वो थाने पहुंचती है तो वहां उसके साथ भी अभद्रता की जाती है, मार पिटाई की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो एक होश बनाई गई है हम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, हम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, वही फरियादियों को पीट रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं बिल्कुल रविंद्र। और जिस यूपी में प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे करता है, लाख वादे करता है, उसके बाद जब महिला इस तरह से परेशान होंगी तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होता है? देखिए बिल्कुल, इसी पर जो है इस बाबत जब जानकारी की बात यहाँ पर अधिकारियों से जानकारी की, हमारी टीम ने जानकारी की, तो वहाँ पर जांच कर कार्रवाई की बात की गई है। फिलहाल जांच तो हमेशा होती रहती है, लेकिन कार्रवाई कब होती है ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, रविंद्र, अक्सर मामला यही कहकर टाल दिया जाता है कि जांच की जाएगी, और वो जांच कभी होती है या नहीं होती इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। जी पारुल, बिल्कुल,
ये जांच होती है, जब गंभीर आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी भी इन पुलिसकर्मियों को बचाने की जो बचाने के लिए सामने आ जाते हैं, और जब बड़ी बात होती है तो जांच की बात की जाती है, उसके बाद जांच कर क्या कार्रवाई की गई है ये कभी नहीं बताया जाता है। लगातार ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं, कभी फरियादी से पैसे ले लिए जाते हैं, कभी फरियादी की पिटाई कर दी जाती है, कभी थाने से भगा दिया जाता है, तो ऐसे में जरूर इन पर प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। ये अगर आरोप सही है तो इस पर तत्काल कार्रवाई करने की यहाँ पर बाराबंकी पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसी फरियादियों के साथ जो है बर्ताव ना हो सके। सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, उनको न्याय की बात करती है, लेकिन थाने पर महिला जाती है तो लॉकअप में बंद करके, वो फरियादी महिला है, गंभीर आरोप है एलोनी कटा थाने पर, इस पर जरूर बाराबंकी पुलिस को जो है उच्च अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। पारुल जी, चलिए रविंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है जहां पर महिला फरियादी जब शिकायत लेकर दरोगा के पास गई तो दरोगा ने ही महिला से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके लॉकअप में बंद करके उसके साथ मारपीट की गई। यानी कि इस पूरे प्रकरण से एक बार फिर से यूपी पुलिस जो है वो फिर से एक बार सवालों के घेरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद में हयात होटल में समारोह की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉलीवुड और टॉलीवुड से कॉमेडी एक्टर और एक्ट्रेसेस शामिल हुए थे। इसमें जानी मानी कॉमेडियन अभिनेत्री केतकी दवे ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत की, और इस बीच उन्होंने जिस तरह से बॉलीवुड में अभी राज कुंद्रा जैसे लोगों के कारनामे सामने आ रहे हैं, ऐसे में बॉलीवुड में काम कर रही अभिनेत्रियों को किस तरह की बातों का ध्यान रखते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, इस तरह की सभी बातों को न्यूज वर्ल्ड इंडिया के सामने रखा। आप भी सुनिए। जी हाँ, बॉलीवुड का जाना माना चेहरा केतकी दवे, जिसका चेहरा देख के ही हंसी आ जाती है, जी आज मेरे साथ है। जी मैम, आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपके चेहरे पे भी हंसी आई ना मुझे देख के? डेफिनेटली आपको देख के हंसी आती ही रहती है, वो उसी तो खुशी की बात है मेरे लिए। वो भी मैम सुमेरे को बारे में बताएंगे। देखो, शमारू मी उनका ऐप है जहाँ पे गुजराती नाटक देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे हेल्दी एंटरटेनमेंट कॉमेडी है उसमें, सब अलग अलग प्रकार के हमारे बहुत सब बड़े बड़े स्टार्स है उसमें। तो ये आप लोग घर पे बैठ के ये नाटक बोलते हैं ना हम लोग, जैसे थिएटर में परफॉर्म करते वैसे हम लोग ने ये रिकॉर्ड किया हुआ है, लाइव परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो वैसे आपको देखने को मिलेगा। ये जैसे सीरियल देखते हो ऐसे नहीं, ड्रामा, बिकॉज हम लोग बेसिकली थिएटर एक्टर हैं, तो हमने शुरुआत वहीं से की थी। तो ये ड्रामा लेके आपके पास आए, ऑलमोस्ट उनके पास 250 से ज़्यादा प्लेज है, तो आपको जो प्ले देखने का मन करे, फैमिली के साथ में बैठ के चाय पीते पीते, पॉपकॉर्न खाते खाते, थेपला खाते खाते आप देख सकते हो ये ड्रामा। मैम आप बॉलीवुड से, और बॉलीवुड में अभी एक नया नाटक स्टार्ट हो गया है जैसे कि राज कुंद्रा वगैरह वगैरह, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? ये तो एक गलत छाप छोड़ रहे हैं ना? मुझे नहीं मालूम वो सब। मैम आप बॉलीवुड से, और आपको मालूम ना हो ऐसा तो बन ही नहीं। मुझे इंटरेस्ट ऐसे पॉन्स फिल्म्स वगैरह का जो, देखो मालूम होगा तो भी अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कैसे बात करूं? नहीं, मुझे जो चीज में इंटरेस्ट है उसमें मैं बात करती हूं। जो जिस शख्स को मैं पहचानती नहीं हूं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है उसके बारे में, तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। देखो अगर मैं किसी को मैं जानती नहीं हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, तो मैं कैसे किसी के लिए बोल सकती हूं? मैम बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बड़ा नाम है, और बॉलीवुड का नाम है, ऑफ कोर्स नाम है, कौन ना बोलता है। वही इंडस्ट्री को बिगाड़ना चाहते हैं तो क्या इनके बारे में कुछ तो बोल पाएंगे ना? नहीं, क्यों बोलूं मैं, क्यों बोलूं मैं? लड़कियों का भी सवाल है ना मैम, आप तो गर्ल्स हो तो क्या? तो मैं गर्ल्स हूँ तो मैं तो हूँ गर्ल, कौन ना बोलता है, लेकिन ये मुझे मालूम ही नहीं है एक्चुअल में क्या है, तो मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं इतना लड़कियों को बोल सकती हूँ, जैसे मैं भी लड़की हूँ, तो मैं अगर मुझे काम करना है इंडस्ट्री में तो मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ। मैं फिर देखती हूँ कि मैं मुझे जो काम करना है वही मैं करती हूँ, कोई जोर जबरदस्ती का काम मैं नहीं करूंगी। तो मैं लड़कियों को इतना बोलती हूँ कि क्यों करोगे भाई, आपको जो चीज नहीं करनी है आप मना कर दो, नहीं करनी है तो आप मत करो, है ना। तो ये इंडस्ट्री इसी पे चलती है, क्योंकि सब टैलेंटेड लोग हैं ये इंडस्ट्री में जो कुछ देना चाहते हैं लोगों को, तो वी हैव सो मच टैलेंट। तो आप में टैलेंट है एज एन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, अच्छी अच्छी फिल्म बना सकते हो। एज एन एक्टर जैसे हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं ना, तो हमने कभी भी अपने, हमको जो नहीं करना था हमने नहीं किया, फिर हमने पैसा कभी देखा भी नहीं,
कि भाई ये पैसा मिल रहा है आप करो, नहीं किया हमने, हमको जरूरत नहीं थी, हमको शौक से हम कर रहे हैं ना काम, तो ये लड़कियों को मैं इतना ही बोल सकती हूँ। जी हाँ, ये था ये केत की दवे और काफी रमणीय बात उन्होंने की है। और मैं प्रणोसी राजपूत। नैनीताल में कुछ सालों से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का एक अड्डा सा बन गया है, जबकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है, अपराध करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जहां नैनीताल अक्सर शांत वातावरण को लेकर जाना जाता था, लेकिन कुछ समय से वहां पर कुछ अशांत सैलानियों की वजह से ये शांत जगह भी अब अशांत होती जा रही है, क्योंकि यहां पर अब धीरे धीरे आपराधिक घटनाएं सामने आती जा रही है। जहां नैनीताल में बीती शाम एक सैलानी को गोली लगने की घटना सामने आई थी, उसके बाद ही नैनीताल के एक होटल में महिला की हत्या को लेकर एक और घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार इस घटना का पता दोपहर 12 बजे चला और जब रात में कमरे में रुका व्यक्ति अपने पहचान पत्र होटल के रिसेप्शन से मांग कर ले गया, जिसके बाद होटल के कर्मियों ने होटल का दरवाजा खुलवाया, तब वहां पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद होटल कर्मियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया और वहीं पुलिस सब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसमें आज लगभग 11 बजे हमें सूचना मिली कि एक महिला का वहां पर होटल में एक रूम में मृत शरीर पड़ा है, तो उसके बाद तुरंत पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। हमने फोरेंसिक टीम को बुलाया, पंचनाम भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रथम दृष्टिया जो बॉडी देख के लग रहा है कि संभवतः एक हत्या का मामला है, तो तहरीर ली जा रही है, तहरीर के FIR हम दर्ज कर रहे हैं, उसके बाद विवेचना करेंगे। इनके साथ साथ में जो लोग भी रुके थे या जो भी साथ हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं, और जो कुछ लोग जो अभी फरार है एक आदमी, तो उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। 7 साल बाद भारतीय टीम इस मैदान पर जीती है और लॉर्ड्स में भारत की ये तीसरी जीत है। इस मुकाबले में 4 दिन के खेल में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिली, लेकिन 5वें दिन के गेम में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि भारत ने इतिहास रच दिया। 5वें दिन भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया, वहीं जब गेंदबाजी की बारी आई तो भारतीय तेज आक्रमण के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज बेबस हो गए और इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। एक के स्कोर पर इंग्लैंड के 2 विकेट गिर चुके थे और फॉर्म में चल रहे कप्तान जो रूट का भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट में 270 से ज्यादा रनों का टारगेट दिया था और युवा बल्लेबाज हसीब हमीद और कप्तान जो रूट ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी की और ये जोड़ी खतरनाक हो रही थी कि ईशांत शर्मा ने हमीद को LBW कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया और हमीद 9 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड को चौथा झटका चाय से ठीक पहले लगा था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।